हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे पास बहुत सारे अपडेट हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुणे सुपरस्टार के बारे में। तो पुणे सुपरस्टार उन सभी यूट्यूबर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा है जो उनकी वीडियोस को यूज करके मिलियंस ऑफ व्यूज लाते हैं और ढेरों पैसों कमाते हैं और आखिर में उन्हें ही गाली देते हैं। अब इसी के ऊपर पुणे सुपरस्टार ने उन सभी यूट्यूबर्स को क्या बोला, आप खुद ही सुन लीजिए। तो यूट्यूबर झूठे हैं। पहले यूट्यूबर जो है पुणे सुपरस्टार का यूज करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं अपनी, और उसके बाद पुणे सुपरस्टार की बुराई करते हैं। सालो यूट्यूबर हो तुम, फेक हो बेटा। एक एक यूट्यूबर की औकात दिखाएगा पुणे सुपरस्टार, एक एक यूट्यूबर की, ये ध्यान रखना। अकेला लड़ूंगा तुम लोगों से, अकेला। अब हम बात करने वाले हैं काइली जेनर के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपने पूरे 1 मिलियन फॉलोअर्स गवा दिए। कैसा? बताता हूँ आपको। तो पता है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है। अब यहीं पर इन मोहतरमा ने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई जहाँ पर काइली ने कुछ ये लिखा, नाउ एंड ऑलवेज वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ इजराइल। स्टोरी देखने के बाद बहुत सारे फैंस काइली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बोल रहे थे, और अगले दिन ही 1 मिलियन फॉलोअर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद काइली का कुछ ये रिएक्शन था। बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। क्या एल्विस यादव बिग बॉस सीजन 17 में जा सकते हैं? आप सभी को पता है कि UK07 राइडर इस समय बिग बॉस सीजन 17 में, जहां पर सब लोग उनकी मारने में लगे हुए हैं। मैं सालों बेइज्जती की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब यहीं पर एक बंदे ने एक्स पर एक ट्वीट करा जहां पर उसने कुछ ये लिखा, अगर एल्विस यादव दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री करता है बिग बॉस सीजन 17 में तो आप किसको सपोर्ट करोगे, एल्विस यादव को या फिर मुनव्वर को? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो यार एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।